राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई जय सोवन सरकार की। इस समय हम सोवन सरकार में भाई, आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। मंदिर वो सामने, गाड़ी वगैरह हमारी उधर सामने खड़ी है भाई। और ये हमारे कानपुर का एरिया भाई सबसे बड़ा मंदिर है भाई, एरिया वाइज के मामले में। इतना बड़ा एरिया पूरे कानपुर में किसी भी मंदिर का इतना बड़ा एरिया नहीं है जितना कि ये सोवन सरकार का है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बजरंग बली बाबा का मंदिर है भाई। हालांकि और भी अन्य देवी देवता हैं यहाँ पे, लेकिन मेन यहाँ जो है वो बजरंग बली का मंदिर है, जो कि मंगलवार और बुधवार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज है दिन है संडे का भाई, 7 तारीख है, 7 जुलाई 2024 दिन इतवार का, संडे का, रविवार का, जो समझ रहा समझ लो भाई। और मंदिर के चारों बगल भाई ये नदी निकाली गई है। मतलब ये नदी तो थी, लेकिन फिर इसको चारों बगल घुमा के गोल गोल जो है बीच में मंदिर बनाया हुआ है। वो चारों बगल भाई मंदिर आप देख सकते हो। पानी कम ना हो, पानी लगातार बढ़ता रहे, इसके लिए पंपिंग सेट भी जगह जगह चालू हैं। एक तो देखो इधर चालू है, ये देखो पानी लगातार गिर रहा है, ठीक है। और दूसरा इस साइड में चालू है, इस साइड से दिखाते हैं भाई, ताकि वाटर लेवल इसका कम ना हो, पानी लगातार जो है बना रहे, इस वजह से ये हमेशा जो है चालू रहता है पंपिंग सेट। इलेक्ट्रिक है, इधर भी उधर भी, ये 4-5 जगह इसे ही चालू कर रखे हैं इन लोगों ने, ताकि वाटर लेवल इसका कम ना हो। हाँ ये देखो दिख रहा है सामने खंभे के पास में, तो कुछ इस तरह का है भाई। और ये गांव का पूरा एरिया है भाई, पूरे हरे भरे खेत आपको दिख रहे होंगे। हालांकि कुछ हरे भरे हैं, कुछ में अभी फसल नहीं है, ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। ये हमारे गाँव सिंहपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है भाई, ये मान के चलो 30 किलोमीटर दूरी चलने पे ये सोवन सरकार का मंदिर पड़ता है। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छा मंदिर है। हम यहाँ कई बार आ चुके हैं और आज भी आए हुए हैं, हमारे साथ के लोग, हम तो बुकिंग लेके आए हुए हैं, हमारे साथ के लोग गए हुए हैं दर्शन करने के लिए, और हम इधर चले हैं भाई वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि उनके साथ में तो शूटिंग हो ना पाती। और पानी देखो कितना क्लीन है, एकदम नीचे तक का दिख रहा है भाई, एकदम साफ़ सुथरा, और इसमें कोई जानवर कुछ भी नहीं जा सकता भाई, चारों बगल से बाउंड्री कर रखी है इन लोगों ने। हालांकि यहाँ पंछी जा सकते हैं, वो देखो जो मछली खाती ना चिड़िया, हाँ ये देखो ढेर सारी दिख रही हैं, पंडुब्बी बोलते हैं इनको, काली काली पूरी होती हैं, पंडुब्बी मार के मैं मछली पकड़ती हूँ, वही यहाँ पे। इधर का भी दिखा दे भाई, और नदी इसमें कचरा वगैरह न डाल सकें, इसलिए जो है ये कटीले तार इन्होंने लगा रखे हैं। तो हम यहाँ आए हुए हैं बुकिंग में, रेट कोई हमारा तय नहीं है। इनको हम पिकअप किए थे गुरुदेव पैलेस शारदा नगर से, और यहाँ लाए हैं सोवन सरकार। इसके बाद शायद खाने वाने का प्रोग्राम है, पंडित होटल जाएँ खाना खाने लिए, उसके बाद आइस्कॉन टेम्पल और आनंदेश्वर बाबा, इतना दर्शन करा के शायद इनको छोड़ देंगे। बिल वगैरह क्या मिलता है क्या है तो सारी डिटेल आपको देंगे। ओला की 2 राइडें भाई घर पे ही थे तो आई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई, फर्जी बुकिंग आ रही थी, जेन्युइन तो आने नहीं थी। तो फिर इधर प्राइवेट जब मिल गया तो हम इधर की तरफ भाग आए भाई, हमने कहा चलो इससे तो अच्छा निकल चलते हैं भाई। देखो भाई कितनी सारी चिड़िया है पनडुब्बी, जो कि मछली पकड़ रही है और खा रहे हैं, तो चहलकर्मी हुई दिख रही होगी, चहलकर्मी करते हुए। ये है भाई पार्किंग के नज़ारे, हम लोग जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो ये रही अपनी आगे, अपने साथ में i10 भी आई हुई है, 2 गाड़ियाँ आई हुई हैं, और बकाया दूसरे लोगों की है पार्किंग और पीछे भी है। फिलहाल मंदिर का ये नज़ारा है, काफ़ी बड़ा एरिया है भाई। तो भाई आप लोगों को बता दें कि आज से अपने वीडियो दोपहर में 12 बजे जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा, आप लोगों को यही उम्मीद है। तो फिलहाल अभी हम देखो मंदिर के एकदम प्रांगण में बैठे हुए हैं, देख लो कितना भव्य मंदिर, कितना बड़ा एरिया है इसका, कई किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये रहा भाई मंदिर।
देखा भाई कितना बड़ा घंटा लगा हुआ है, सवा कुंटल का, सवा मन का घंटा लगा हुआ है प्रांगण में है। तो और सारे भैया वहाँ से शोभन सरकार से मंदिर से दर्शन करके बगल में ही मंदिर पड़ता है, वहाँ पे आगे हरि नारायण मंदिर पड़ता है, तो सामने है देखो भाई तालाब चारों बगल से, मंदिर बीचों बीच में बना हुआ है। हालांकि मंदिर में भाई फोटो वगैरह नहीं खींच सकते हैं, कैमरा अलाउ नहीं रहता है। मंदिर के बाहर ही लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण धाम और बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई अब मंदिर परिसर में फ़ोटो वगैरह आप नहीं खींच सकते हो ऐसा कुछ, लेकिन बाहर से भाई दिखा सकते हैं। चलो लक्ष्मी नारायण जी की तो खैर दर्शन हो गए भाई। आप लोग बताना चाहते हैं कि आज से डेली 12 बजे दोपहर में हमारे वीडियो अपलोड होंगे फेसबुक पर दोनों पे। जो भाई हमारा फेसबुक पे देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। सब पे देखे भाई तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उस तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हमारी आईडी एक ही, बल्कि तीनों में, इंस्टाग्राम पे भी हमारा यही नाम है Vinay993, वही फेसबुक में, वही व्हाट्सअप पे है, चैनल का हमारा नाम है। तो देखो भाई किसी भक्त ने यहाँ पर जो है चने वगैरह डाले पंछियों के लिए और शायद बंदर अंदर काफ़ी यहाँ पर उनके लिए जो है। ये रहा भाई कुछ नज़ारा, हमें तो भाई यहाँ का तालाब बहुत अच्छा लगा, मंदिर तो खैर सुंदर है ही, मंदिर की कहीं नहीं क्या, लेकिन यहाँ पे जो है तालाब बहुत ज़बरदस्त बना रखा है बाबा जी ने। फिलहाल यहीं बैठेंगे, थोड़ा तो वेट करेंगे, कस्टमर हमारे भी दर्शन कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ के बाद कहाँ जाते हैं, अगला पड़ाव हमारा कहाँ होगा, किस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। फिलहाल गाड़ी हमारी वो खड़ी है भाई, दोनों गाड़ियाँ, आगे वाली हमारी, दूसरी वाली भैया इन्हीं की है जो बुक करा के लाए। या वहाँ से चलने के बाद सीधा आगे कल्याणपुर आशा देवी मंदिर, यहाँ भी देखो कितना बड़ा घंटा लगा हुआ है भाई, लोग बजा भी रहे हैं। ये देखो भाई कुछ लोग पहुँच रहे हैं, कुछ लोग पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ सिस्टम है, ये घंटा लगा हुआ है। तो भाई आ चुके हैं कल्याणपुर और ये लोग यार यहाँ के बाद जाएंगे जो है खाना खाने लिए, हमसे बोले पंडित होटल चलो। भाई पंडित होटल यहाँ से माल लोड बहुत दूर है, हमने कहा नहीं और भी हो गए हैं, हमारे इंदिरा नगर में भी है। फिर ये बोले नहीं अच्छा चलो एक पंडित होटल वहाँ भी पड़ता है, फ्रेंचाइजी उसकी है अपने यहाँ साकेत नगर में, मतलब जेके टेम्पल के आगे और मरियमपुर अस्पताल से पहले। तो हमने कहा ठीक है भाई चलते हैं। फिर वहाँ इन्होंने पता किया तो नहीं वहाँ बंद हो चुका है, उसकी फ्रेंचाइजी अपने इंदिरा नगर रोड पे है, मकड़ी खड़ा के बगल में। हमें तो पहले से ही पता था, हमने कहा चलो हमें तो पता है भाई। तो यहाँ के बाद फिर जाएंगे सीधा पंडित होटल, इनको खाना खिलाने, उसके बाद देखते हैं आनंदेश्वर जाएंगे या फिर ये कहीं और जाएंगे, जैसा भी होएगा बताएंगे। तो फिलहाल अभी तो हम गाड़ी पर, हमारे कस्टमर भाई वो देखो सामने हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों और जुड़वा बच्चे हैं भाई, दोनों दोनों एक एक लिए हुए हैं और दोनों ही लड़के हैं। तो आज मंदिर मंदिर भाई घूम रहे हैं, सब जगह अपने बच्चों को दर्शन करा रहे हैं और खुद भी दर्शन कर रहे हैं। तो अपना अब यहाँ आशा देवी आए हुए हैं, अब देखते हैं यहाँ कितना समय लगेगा और उसके बाद फटाफट चल के खाना खिलाएंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे सारी डिटेल बताएंगे। गाड़ी अभी तक हमारी 59 किलोमीटर चल चुकी है हमारे घर से, हालाँकि इनके घर से अभी 50 ही चली होगी 50 किलोमीटर, लेकिन हमारे घर से 59 किलोमीटर चल गई। 9 किलोमीटर तो हम चल के गए थे शारदा नगर, अपने यहाँ से अपने गांव से शारदा नगर 9 किलोमीटर पड़ता है। तो भाई अब करते हैं वेट, देखते हैं जब आएंगे तब यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल मंदिर ये भी काफ़ी बड़ा है भाई, आप लोग देख सकते हो वो ये सब मंदिर का ही एरिया है और जो लोग लोकल के होंगे उनको सब पता ही होगा। पार्किंग वार्किंग सब इधर लगा रखी है भाई, गाड़ियाँ वगैरह कुछ इधर हैं, ये कुछ नज़ारा है भाई। भाई पंडित होटल में आए हैं, ये भैया दूसरी गाड़ी के ड्राइवर हैं। सेंट्रो कौन सी है तुम्हारी? i10। वो हम अपनी गाड़ी के भाई, वो पहली बार आए पंडित होटल पे, हालांकि कस्टमर का तो कई बार लेके गए हैं, चाट उठ खाए हैं, खाना खाना पहले बार आए हैं। वो आपको दिखाते हैं भाई, इतना ज़बरदस्त है, ड्राई फ्रूट वगैरह भी उधर रखे हैं। ये रहा भाई रेस्टोरेंट नंबर 1 का,
देखते हैं भाई, कस्टमर बहुत ही अच्छे हैं, बोले चलो भैया आप भी खा लो, अभी थाली वगैरह लग के आएगी, देखते हैं कौन सी थाली लग के आती और क्या उसका कॉस्ट होगा। दोनों बच्चे जुड़वा हैं ना? हाँ जुड़वा, दोनों बच्चे भाई जुड़वा हैं, और ये लोग ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, और शायद एक लोग ऐसे हैं जो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, तो उसी वजह से पंडित होटल में आना पड़ा, नहीं तो अपने कानपुर में बहुत सारे हैं, एक से एक अच्छे हैं, इससे भी अच्छे हैं, लेकिन हर कोई प्याज लहसुन डालता है, सिर्फ यही एक ऐसा होटल है जो प्याज लहसुन नहीं डालता है, बस इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ठंडा पानी भी मंगवा लिया भाई, और हम लोगों ने ये थाली बोली है भाई, बोला भैया हम दो थाली ले आओ, हम दो लोग हैं यही खा लेंगे, अब अच्छी जगह आए भाई, तो है तो 230 वाली, लेकिन 230 वाली काहे खाओ, अच्छी वाली वही खाओ। 300 वाली हमने थाली ऑर्डर किया है, दाल है, पनीर है, मतलब इसमें लगभग सारा कुछ हम लोग को मिल जाएगा, अचार है और स्वीट भी है इसमें, मतलब मीठा भी कुछ ना कुछ देंगे ये, अब क्या देते हैं 300 रुपये में वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम लोग करते हैं वेट, और जैसे थाली आएगी थाली भी दिखाएंगे आप लोगों को। अब बताया ये रहा भाई मेनू कार्ड, लेकिन हम लोगों को मेनू कार्ड से मतलब क्या है यार, हम लोगों को सिर्फ थाली मंगानी थी, हालांकि हैं तो बहुत सारे जो है ऑप्शन, हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोग गाँव देहात के आदमी यार, ये चाट बतासा हम लोग को खर्च कुछ भला हो ही ना क्या भाई। तो भैया आ गई हम लोगों की थाली, और लच्छा अभी पेंडिंग, अभी एक लेके आए, अगर हम मंगाएंगे तो फिर और लेके आएंगे, अपनी थाली दिखाते हैं जो 300 रुपये में है वो कैसी थाली है हमारी, रहता है भाई नहीं, देखिए भाई मलाई पनीर है, शाही पनीर है, आलू की सूखी सब्जी है, दाल है अरहर की, चावल है, सलाद है, अचार है, पापड़ है, लच्छा पराठा है, रायता है, और रसगुल्ला है मीठे में, और यही थाली भाई की लगी हुई है, लेकिन भाई अभी गया थोड़ा सा बाहर, अभी वो फटाफट आएगा, तो खाते हैं, खा के स्वाद बताते हैं भाई कैसा स्वाद है इसका। ₹300 का भाई मज़े ले रहे, कस्टमर से बोल रहे थे भैया हम खा के आए, बोले नहीं नहीं आप खाइए, आपकी जो इच्छा है वो खाइए, तो यार हमने कहा चलो फिर थाली मंगाते हैं भाई, क्योंकि आए तो हम कई बार हैं लेकिन हम पहली बार रहे यहाँ होटल, तो ये कुछ सिस्टम है, चेक करते हैं भाई, ज़बरदस्त भाई, दाल वगैरह ज़बरदस्त है, अच्छा पराठा भी खा के देखते हैं भाई, भाई इतने बड़े होटल में आए। हाँ यहाँ एक चीज़ ये है, यहाँ आपको आलू प्याज नहीं मिले, मतलब प्याज लहसुन नहीं मिलेगा, शुरू करो आ गए हमारे भाई साहब, दोनों मिलकर खाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड होगा बाद में, भैया आनंदेश्वर मंदिर सामने ही मंदिर है, और यहीं से बैरिकेड कर रखी है क्योंकि सामान आने वाला है भाई, तो ये सब गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं, ये देखो पीछे ठीक है, और पार्किंग उधर भी लगी है, हमारे साथ की गाड़ी जो आयटन थी वो उधर साइड में लगी हुई है, मैंने बाहर ही रोक रखा है क्योंकि मैं तो दूर से ही बाबा का आशीर्वाद ले लूँगा, मंदिर नहीं जाऊँगा, यहीं पर वेट करूँगा इन लोगों का आने का, और जैसे ही आ जाएंगे आज फटाक से निकल चलेंगे, फिलहाल आ रहा फोन, रिकॉर्डिंग करेंगे बाद में भाई, हो गए दर्शन सन भाई, कॉन्स्टेबल हमारे आ रहे हैं फटाफट यहाँ से निकलते हैं, देखो आ गए, तो भैया आ गए हम वापस, कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है, गाड़ी चली हमारे घर से यहाँ तक 80 किलोमीटर, ये देखो भाई ठीक है, 800 रुपया हो गया फ्यूल का, और 800 रुपया हो गया हमारा गाड़ी का भाड़ा, तो टोटल हो गया भाई 1600 रुपया, 1600 रुपये पेमेंट हमको मिल चुकी है, अब हम जा रहे हैं भाई सीधा अपने घर, अब 80 किलोमीटर का आप ईंधन वगैरह निकाल दीजिएगा, 500-600 जो हमारी बचत होगी वो आज की 1000 होने वाली है, हमने सोचा था भाई 300 रुपये घंटे लेंगे, कस्टमर से कोई बातचीत किए नहीं थे, एक अजय हमारे मित्र हैं उनकी ये बुकिंग थी, वो इनके यहाँ आते जाते थे तो वो शायद यही रेट लेते थे, तो कस्टमर ने हमको यही रेट दिया है, हमने चलो भाई कोई बात नहीं गलती हमारी है, हमको भाई पहले ही बात कर लेना चाहिए था कि सर पेमेंट किस
मेथड से आप करेंगे, अब 80 किलोमीटर सारा दिन में गाड़ी चल रही है भाई, तो क्या ही हमारा निकलेगा। चलो जो भी है कुल मिला के सही है, क्योंकि लोकल में भी इस समय काम एकदम है नहीं, जो हो गया है सो हो गया है। कुल मिला के बचत आज हमारी 1000 रुपये रही है, 600 रुपये खर्चे निकाल देंगे, 1600 रुपये मात्र भाई काम किया है और सारा दिन की ऐसी तैसी हो चुकी है। तो भाई इन गलियों में भटक गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सी गली में जाऊँ। चलो अब तो खैर निकल जाऊँगा, अब गली याद आ गई है। तो ठीक है भाइयों, आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन कर बटन जरूर दबाइएगा।